मोदी सरकार में आरएसएस से जुड़े लोगों को काफी तरजीह दी जा रही है। कुछ ही दिनों पहले संघ प्रचारक राकेश सिन्हा को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। अब पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक और लंबे समय तक संघ से जुड़े रहने वाले स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर बोर्ड में शामिल किया गया है। सरकार ने एस गुरुमूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक के नॉन ऑफिशियल और पार्ट टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। अब स्वामीनाथन गुरुमूर्ति 4 वर्षों तक नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। गुरुमूर्ति के साथ ही संघ से जुड़े सतीश काशीनाथ मराठे को भी आरबीआई ने नॉन ऑफिशियल पार्ट टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। गुरुमूर्ति के आरबीआई बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त होने के पीछे की वजह उनकी राजनीतिक पकड़ और पहुंच है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री और राजनीतिक और आर्थिक मामलों के टिप्पणीकार हैं। इसके साथ ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। बीजेपी सरकार और पीएम मोदी के एक बड़े समर्थक के रूप में उनकी पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से पहले स्वामीनाथन से सलाह ली थी। साथ ही वे अपने ट्विटर अकाउंट पर अक्सर रिजर्व बैंक से जुड़ी नीतियों के बारे में लिखते रहते हैं। कार्ती चिदम्बरम और एयरसेल मैक्सिस केस का खुलासा करने में भी इनकी अहम भूमिका थी। तमिलनाडु में ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी के धड़ों के बीच सुलह भी इन्होंने ही कराई थी। वहीं सतीश मराठे का बैंकिंग क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। मराठे कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।